हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, मॉर्निंग के 9 9:30 का टाइम हो रहा था। तो अभी मैं सो करके उठी थी तो मैंने सोचा अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ। हर्ली ना अभी तक सो ही रही है और मैं बस यही बता रही हूँ क्योंकि पता है पंखे की इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी तो इसलिए मैंने जो आवाज़ थी वो म्यूट कर दी। तो इसीलिए फिर मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ी क्योंकि पंखा बहुत ज़्यादा मतलब आवाज़ आ रही थी। तो मैं बता रही हूँ कि ये मेरा रूम था, वैसे अभी है लेकिन इतना नहीं है, मतलब वो ही रहता है ना शादी के बाद इतना वो नहीं रहता। तो यहाँ पर अभी हम हलीन अभी सो ही रही है तो मैं आप लोगों को ना बैक कैमरे से अपना रूम दिखा देती हूँ, जो मतलब था या है पता नहीं अभी तक ऐसा ही है, बस शादी के बाद तो बस था या है बस ऐसे ही रहता है। तो यहाँ पर ये बेबी का वॉकर रखा है और हलीना अभी तक सो ही रही है और ये मेरा रूम था। और यहाँ पर फिश भी रखी हुई है क्योंकि जो छोटे वाले भाई है ना वो फिश ले करके आए थे। तो ये 6 थी बट दो मर चुकी थी क्योंकि ये ना लाइट के बिना सिर्फ 2 घंटे ही रह सकती हैं, लेकिन वो भी तब अगर इनका पानी चेंज करते रहें तो 2 घंटे तक रह जाती हैं। तो यहाँ पर ये मतलब 4 फीस बची है, 2 मर चुकी हैं और एक पास में ही रूम है। और ये सीरत अभी सो ही रही है, मतलब ये तो कई बार सो जा मतलब 3 बार सो जाती है लेकिन आराम से, ये ऐसी दिक्कत नहीं करती जैसे हरलीन करती थी। तो यहाँ पर एक पास में रूम है और मतलब 3 रूम उधर हैं जो अभी मैंने दिखाया है फ्रंट में। तो वहाँ पर जो छोटे वाली भाभी और बड़े वाली भाभी का वो रखा है सामान। और यहाँ पर ये हमारी है पीहू और इधर ये गाय भैंसे बन रही हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा सा होम टूर भी करा देती हूँ आज। तो यहाँ पर अब और सबसे बड़ी बात तो मैं ये दिखाऊँगी, मतलब किचन यहाँ मतलब हमारे घर की कितनी बड़ी है, मतलब एक जो रूम होता है ना इतनी बड़ी किचन है, मतलब बहुत बड़ी किचन है, जितना रूम होता है ना उतनी बड़ी हमारी किचन है। और यहाँ पर ना मैं ये दिखा रही थी क्योंकि ऊपर से जैसे पानी टपकता है ना तो उससे ना गल गई थी, क्योंकि लकड़ी की तो थी ये खिड़की, तो यहाँ पर ना गल गई थी, मतलब ऐसे छेद सा हो गया बड़ा सारा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ऐसी किचन होती है ना वो अच्छे लगते। तो मैंने अपने भाई को भी बोला, मैंने किसका ना पानी चेंज करते, बहुत ही गंदा पानी, और 2 दिन हो गए हैं क्योंकि वैसे तो रोज़ करना पड़ता है ये पानी चेंज ना, तो मैं तो नहीं कर सकती, मुझे तो अजीब लगता है ना छुते हुए मछली को ना। हाँ बट वैसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि मेरा भी मन है कि मतलब मैं भी रखूँ फिश। हाँ बट इनकी केयर बहुत ज़्यादा क्योंकि रोज़ ही इन्हें इनका पानी चेंज करना पड़ता है, बट मैं तो इन्हें छू ही नहीं सकती, मुझे तो बहुत अजीब लगता है इन्हें छूते हुए। तो यहाँ पर सफाई हो जाए और फिर देखना कितनी बहुत ही सुंदर लगती है फिर धुलने के बाद ये सब, क्योंकि पानी ना गंदा कर देती हैं फिश वगैरह, क्योंकि इसका जो खाना वगैरह होता है ना वो गिर देते हैं तो उसकी वजह से ना थोड़ा पानी वैसा हो जाता है। अब देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पर ये 4 फिश बची हैं, 2 तो मर चुकी थी और बस इनकी ऐसे मतलब दूसरे दिन सफाई करनी पड़ती है। तो अब देखो कितनी सुंदर लग रही हैं फिश, बहुत ही अच्छी लग रही है। तो यहाँ पर जो पानी वगैरह चेंज था ये सब कर दिया था और अभी फिर से लाइट पे और करके इसे ऑन कर देंगे और बस ये देखो फिर से हो गया। तो यहाँ पर आ गई थी मैं बाहर, जो फ्रंट का एरिया है हमारा वो दिखा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये जो छोटे भाई हैं उसकी मतलब होंडा की एजेंसी है, बाइक इसको जो एक्टिवा रहती है उनकी एजेंसी है। तो होंडा की सभी मतलब यहाँ पर बाइकें मिलती हैं, स्कूटी ये सब। तो मैंने सोचा आज होम टूर भी करा देती हूँ, तो मतलब प्रॉपर तो होम टूर नहीं है बट हाँ हल्का हल्का जितना भी हो सके मैंने कर दिया। तो यहाँ पर ये है ऑफिस बैठने करके और इधर भी ये गाड़ी बाइक और स्कूटी खड़ी है और अंदर ली साइड होती है मतलब उस एक रास्ता उधर ली साइड को भी है, यहाँ पर होती है गाड़ी की सर्विस। इधर ये जो मतलब सर्विस कर मतलब मशीनें होती है ना इस पर मतलब खड़ी करके गाड़ी तब सर्विस होती है। तो यहाँ पर एक रास्ता इधर को भी है तो गाड़ी वगैरह इधर को आती है फिर अंदर सर्विस होकर फिर वापस चले जाती हूँ। 2 दरवाजे हैं और 3 हैं वैसे तो दरवाजे, और हाँ एक दरवाज़ा ये है मतलब घर में भी जाता है ये दरवाज़ा इधर, ये देखो यहाँ पर इधर को ये दरवाज़ा घर में भी जा सकते हैं आप इधर को, क्योंकि कुछ सामान क्योंकि आधा सामान हमारा मतलब घर में रखा हुआ है, यहाँ पर पूरा सामान नहीं रखा हुआ है, जैसे कुछ सामान हो गए पार्ट्स हो गए गाड़ी वगैरह के, तो थोड़ा सामान उधर भी रखा है रूम में, तो इसीलिए यहाँ पर ये अलग से दरवाज़ा छोड़ दिया था क्योंकि फिर इतनी दूर घूम कर जाओ तो सीधा अंदर को चले जा सकते हैं अंदर भी। तो यहाँ पर है ये फ्रंट हमारा, एकदम मेन रोड भी है वैसे तो हमारे, और देखो मतलब गमले में इतना सुंदर यहाँ पे वो रखा ना, अभी मनी प्लांट भी बहुत ही अच्छे से मतलब ग्रो हो रखा है और बाहर अंदर घूमने में मनी प्लांट कटिंग करेगा इसके रखे हैं। और यहाँ पर देखो कांच की बोतल में भी भैया ने वो रखा है रहता है, और यहाँ पर लगा कि सीसीटीवी कैमरे, ये देखो मैं खुद ही दिख रही हूँ मतलब वीडियो बना रही हूँ ना, वो मैं खुद ही दिख रही हूँ यहाँ पर ये सीसीटीवी कैमरे लगे हुए। तो ये है मतलब ऑफिस है ये बैठने का, और फ्रंट पे ही है हमारा जो घर है ना, क्योंकि पीछे हमारा घर होगा और सामने फ्रंट पे होगी हमारी एजेंसी होंडा की। तो
अंकित फोन आ रहा है ना, ये उसको कटिंग कर रहे थे जो था ना, और जगह है ना तो वहाँ पर बो रखी थी, तो मम्मी वो लेकर के आ गई थी, तो बट मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो यहाँ पर ये हमारा मतलब मेन गेट है, वैसे कुकड़ी कहाँ से हमारा ना पूरे घर का नक्शा चेंज हो गया, क्योंकि पहले हमारा एजेंसी से पानी भर रहा था, हमारा घर मेन गेट भी था जो बड़े वाला गेट रहता है, चार पहिया गाड़ी जो थी वो अंदर भी आती थी बाहर भी जाती थी, अब छोटी सी गली सी करेले भी लग रहे हैं की वजह से ना, और यहाँ पर जो तोरी वगैरह पा रहे, तोरी भिंडी करेला ये सब घर का ही होता है, हमारे यहाँ पर हरी साग सब्जी जितनी भी होती है, हरी मिर्च और मतलब ज़्यादातर जो हरी साग सब्जी होती है ना वो घर की ही हमारे यहाँ पर होती है, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा जगह है, मतलब बहुत ही ज़्यादा जगह है। और ये देखो इतने बड़े बड़े पपीते भी लग रहे हैं, और ये देखो मतलब ये ऐसी ऐसी चीज़ें ना घर की बहुत ही अच्छी रहती हैं, जैसे पपीता हो गया, अमरूद, ये सब आम हमारे ये सब घर के बहुत ही सारे मतलब अच्छे होते हैं। और ये देखो छुए का पेड़, जैसे मैं उसे छूँगी ना, जैसे जैसे टच करूँगी ये आराम से मुरझा जाती है, पहले तो बहुत बड़ी थी लेकिन अब छोटी सी बेल बची हुई, क्योंकि बहुत बड़ी बेल हो गई थी, तो जैसे जैसे मैं इसे छू रही ना वो आराम से नीचे मतलब छुई वैसे हो जाती है, इसे टच कर तो सारी आराम से ऐसे समेट जाती है। देखो मैंने सारी को इसे ऐसे कर दिया, थोड़ी देर में फिर से नॉर्मल हो जाती है छुई मुई। तो ये पहले तो बहुत बड़ा पेड़ था लेकिन अब तो छोटा सा ही है, क्योंकि जहाँ पर ये पेड़ है ना उसके ऊपर भी चढ़ गई थी ये। और ये देखो ये जो हरी मिर्ची है ना गोल वाली वो है, बट ये इतनी ज़्यादा इनमें मिर्ची रह जाना बहुत ही ज़्यादा है, तो वैसे जो हमारा दूसरा घर है ना वहाँ पर भी मतलब बो रखी है, तो ये मिर्ची भी मतलब हमारे घर की होती है, क्योंकि जब लाल हो जाती है मिर्ची तो मम्मी तोड़ लेती है और बस फिर इसे मिक्सी में वो कर देती। तो यहाँ पर मम्मी अभी कर रही है सफाई, क्योंकि अभी इन्हें अंदर बांधने का टाइम हो गया, यहाँ पर ना धूप आ जाती है तो इसे अंदर भी साइड बांध देते हैं, फिर मतलब हला धुला के और यहाँ पर सफाई करके तो इन्हें फिर अंदर बांध देंगे। अभी तो कुछ भी यहाँ से पेड़ नहीं है हमारे यहाँ पर, पहले तो बहुत ज़्यादा पेड़ थे, और यहाँ पर चीज़ें तो भी उठ गई थी, बहुत ही बट जो फोटो देखो ना मतलब कोई ये नहीं मान सकता कि हाँ ये लड़की है जो मशीन में रखी है, मतलब कभी दिखाऊंगी जो शुरू के फोटो थे ना, अभी क्यूट बन गई है ये लड़की, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। और देखो ये सोलो भी मैंने उसे बात करी थी, वीडियो भी देखी थी, क्योंकि ना सो के उठी थी इसीलिए कि एक्टिविटी नहीं करती, बैठा के वीडियो में देखे कि हाँ वीडियो बन रही। तो यहाँ पर मम्मी गाय भैंसों को नहला रही और सफाई वगैरह कर दे रहे हैं, और फर्श सिर्फ गाय भैंसे बांधने के बाद फिर पूरा मतलब जहाँ जहाँ को जाते हैं वहाँ पर भी मतलब पूरा जो ढाका है स्पेस आपको दिखाई देता है ना पूरा, फिर वॉश करना पड़ता है, फिर जैसे 3-4 बजे का टाइम होता है फिर इन्हें हीं चला के बांध देते हैं, क्योंकि यहाँ पर पंख वगैरह लगे हुए हैं अंदर जो अंदर ही साइड बनेगी ना, तो यहाँ पर सफाई कर देंगे और फिर शाम के टाइम फिर से ये हीं चले आ जाएंगे। तो गाइस ठीक था, हम दो दिन के बाद रात में मैं 12 बजे 11:30 बजे बैठी थी वहाँ से, और मैं 4 बजे आ गई थी हस्बैंड लेने के लिए आ गई थी। तो एवरीवन वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी आ चुकी हैं हम अपने घर, घर से चली थी मैं रात कितने 11:30 बजे हम वहाँ से चले थे मतलब अपने घर से, और यहाँ पे मैं दिल्ली 4 बजे पहुँच गई थी, रात भर ऐसी रहा, तो हम आके फिर सो गए थे 5 बजे मतलब 5 बज गए थे हमें घर आते आते, तो फिर मैं सो गई थी, फिर मैं उठी 12 बजे उठ गए थे फिर हम लोग, और अभी मैंने खाना वगैरह खा लिया और नहा के तब सोई थी मैं, ऐसे नहीं सोई थी, नहा के बहुत अच्छी नींद आ गई थी फिर तो मैं सो गई थी, अब उठी हूँ और मैंने खाना खा लिया, अब मेरे को धुले हैं कपड़े, ये यहाँ पर मैंने लगा दिया मशीन, ये देखो कितने सारे कपड़े रख दिए हस्बैंड जी ने इकट्ठे करके हर लिम की साइकिल पर, बाकी नॉर्मल वैसे ही सफाई करी है अभी मैंने, जैसे बेड शीट मैंने चेंज कर दी थी बस ऐसे ही ऐसे करा, बाकी और मैंने कुछ भी नहीं करा, बर्तन अभी ऐसे कैसे ही पड़े हुए मेरे देखो, बर्तन ऐसे कैसे ही पड़े हुए, लस्सी इसमें लस्सी भी लेके आई थी कढ़ी बनाने के लिए, लस्सी लेके आई थी, अभी मैंने इसमें ना गैस बन गई थी तो मैंने इसे खोल के रख दी,
तो मैंने सोचा अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि वहाँ से रात में चली थी, तो इसीलिए मैंने हाँ बनाना वीडियो वो ही नहीं रहा था फिर, तो जब माइक के साथ है तो वो ही रोना धोना, तो फिर वीडियो का मन भी नहीं करता बनाने का। और हाँ, मैं राखी भी बांध के आ गई, फिर मैं रक्षाबंधन पे नहीं जाऊँगी क्योंकि मैं राखी बांध के अभी आ चुकी हूँ हरलिन, देखते हैं क्या कर रही है अंदर। हरलिन का तो बस वही रोना धोना चल रहा है अभी। और ये देखो बाप रे मेरी लड़की का ये है, पता बर्फ़ ही बर्फ़ खाती है ये ना, क्या करूँ मैं इसका, ना कुछ समझ में नहीं आता, बर्फ़ तो इतना ज़्यादा खाती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ खाती है। ये बेड की चद्दर है, ये भी मुझे वॉश करनी है। और ऊपर छत पे मतलब जो गमले थे ना वो भी बहुत बुरी तरीके से ना सूख रखे थे, क्योंकि पानी नहीं दिया था हस्बैंड ने, मेरे भी ध्यान रहा था, उन्हें बताना कि भाई पानी दे देना, बट उनके भी ध्यान रहा, अब पानी दे कर आई हूँ। अब सोचा मैंने कहा अब घर का काम स्टार्ट कर दें, क्योंकि रोटी वगैरह सब खा ली, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग रही थी, क्योंकि रात घर पे ही खा रही थी, तो बस अभी रोटी खा ली। अब मैं लगा देती हूँ मशीन, क्योंकि कपड़े बहुत सारे हो रखे हैं धुलने के लिए, तो यहाँ पे मैंने मशीन लगा दी है अपनी कपड़े धुलने की। कपड़े से स्टार्टिंग कर लेती, फिर बाद में सफाई करूँगी ना, क्योंकि यहाँ पे फिर गीला गीला हो जाता है, तो इसीलिए मैंने सोचा पहले कपड़े ही वॉश करती हूँ, बाद में करती हूँ और काम, क्योंकि यहाँ पे फिर क्लीन वगैरह कर दूँगी मैं। अभी फ़िलहाल गंदा हो रखा है, धूल धूल जमी हुई है पूरे उसमें। तो ठीक है गाइस, पहले मैं कपड़े वॉश कर लेती हूँ, बाद में आप लोगों से मिलती हूँ इतना। तो गाइस अभी बच चुके हैं 4 और कपड़े मेरे अभी से धुल ही रहे हैं, बस लास्ट बचा है मतलब तौलिए वगैरह, और अभी थोड़े से मैंने कपड़े यहाँ पे भी सुखा दिए, बैग वो मैंने खाली कर दिया है, और बस अभी हरलिन जा रही है ट्यूशन। हाँ ट्यूशन जाओगे ना आज, है ना, ट्यूशन जाना है ना बच्चे। हाँ तो कोई बात नहीं, स्माइल करके जाते हैं ना ट्यूशन, है ना। तो फिर गाइस अभी मैं इसको छोड़ करके आ जाती हूँ, फ़ोन नहीं लेके जाऊँगी, फ़ोन यहीं पर रहेगा, गोदी गोदी करके जा गया है, तो मतलब इसके बड़े नखरे हो रखे हैं, क्योंकि इतने दिनों के बाद स्कूल जा रही, 4-5 दिनों के बाद, तो इसे गोदी लेके जाऊँगी, फ़ोन घर पर ही छोड़ कर जाऊँगी और इसे छोड़ के आती हूँ, फिर थोड़ा काम करती हूँ, सफाई का, झाड़ू पोछा ये सब रह रहा। अभी तो मेरा 4 बज गए, अभी तक मेरे कपड़े वॉश हो रहे हैं। चलो चलो, क्योंकि बीच बीच में ना इसका टैं टैं ये शुरू हो जाता है। चलो बच्चे चलो।